नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है जोधपुर हॉर्स शो के अंदर। और यहाँ पर जो घोड़ों के आने का जो सिलसिला है वो चालू हो चुका है, और चालू के साथ साथ में बोले तो 50 से ज़्यादा लगभग यहाँ पर घोड़े घोड़ी पहुँच भी चुके हैं। और आप ये देख सकते हैं कि कुछ स्टेबलों में तो घोड़ा घोड़ी आ भी गए हैं, और कुछ गाड़ियों में भी यहाँ घोड़ा घोड़ी आए हुए हैं, और कुछ 3-4 एम्बुलेंस भी यहाँ पर पहुँची है। और देख सकते हैं ये भी बच्चा है, इसका नाम है आदित्य राज, और ये एम्बुलेंस है। ये भी शायद मेरे हिसाब से महाराष्ट्र से आई है, और इसमें भी एक बहुत खूबसूरत घोड़ा है, घोड़ी है, निकलने के बाद में पता चलेगा। बाकी कलर बहुत अच्छा है और लाजवाब भी है। बाकी ये एम्बुलेंस भी आपको हर शो के अंदर देखने के लिए मिलेगी। इस एम्बुलेंस के अंदर ये शानदार एटीट्यूड वाला एक घोड़ा निकल कर आया है। बाकी देखो ये आया है पंजाब से, किसका, रुद्राक्ष का ही बच्चा है ना? हाँ जी, हाँ जी सर, रुद्राक्ष का। एक घोड़े को देख के दूसरे घोड़ा के भी अपना एटीट्यूड दिखाने लग जाता है। हाँ बिल्कुल। कब पहुंच गए आप? बस हुने ही। अभी रस्सा पकड़ाई है क्या? हाँ जी, हुने ही पहुंचे, बस आधा घंटा ही होया जी। बड़ी दूर से हिम्मत करी आने की? 12 घंटे लग गए। 12 घंटे काय में लेके आए इसको? ट्रेलर से, स्कॉर्पियो गाड़ी पर। अच्छा अच्छा, पहली बार आया है इसमें? हाँ पहली बार। चलो ग्राउंड घुमा दो इसको जब तक, कल का जायजा ले, कल का जायजा ले लेवे इस शो का। जरूर जरूर, कल इसको दिक्कत नहीं आए पिच पे खेलने में फिर। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। बाकी आप भी पहली बार शो में लगाने आए हो क्या घोड़ा के? आज से पहले भी लगाए? पहली बार ही। पहली बार ही? हाँ जी, आगे मुक्सर मंडी माघी मेले चले के गए थे घोड़ा में। तो कैसे शौक लग गया रिंग में घोड़ा लगाने का? बस देख देख के लग गया कि चीज अपने को चंगी है, दिखानी चाहिए। कितने घोड़े और है अपने पास में? अपने को दो, एक नुकरा जी। एक नुकरा और है, ढाई साल का। उसका क्या नाम है? उसका क्या नाम है? उसका नाम अलबख्श है। अलबख्श है, हाँ जी। बाकी इसका नाम है आदित्य राज। और आपका क्या नाम है? मेरा जगदीप सिंह संधू। जगदीप सिंह संधू, श्री गंगानगर। अपना तो शायद इंटरव्यू करा था ना गंगानगर में, माघी मेले में। माघी मेले में है ना? ओके। देख सकते हो भाई आप, बहुत दूर दूर से पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र से घोड़ों के जो आने का जो सिलसिला है वो इस जोधपुर हॉर्स शो में चालू हो चुका है। बहुत ही बड़े लेवल पर यह शो होता है। और जो इसकी ग्राउंड की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये जो ग्राउंड आप जो सामने देख पा रहे हैं, इसी ग्राउंड के ऊपर ये शो होता है। उधर आप देखें तो घोड़ों का जो रजिस्ट्रेशन है उसकी प्रक्रिया चालू हो चुकी है। और ये जो सामने आप ग्राउंड देख पा रहे हो, हरा भरा और बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड, इसी ग्राउंड पर कल से 2 दिन का, 17 और 18, 2 दिन का हॉर्स शो होने वाला है। अभी जो एरिना है वो बनाया जा रहा है, जो घोड़े स्पोर्ट्स वाले होंगे उनके हिसाब से। बाकी सबसे एक अच्छी बात यह है कि इस मैदान को कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सामने स्टेज वगैरह बन जाते हैं, बाकी स्टॉल वगैरह के लिए दुकानें बन जाती है। बाकी जो ये मैदान है इसी तरीके से हमेशा हरा भरा रहता है, और इसी ग्राउंड पर ये शो होने वाला है, खूबसूरत और शानदार, जिसका नज़ारा आप कल से ले पाएंगे। और आप ये देख सकते हैं भाई, यहाँ पर घोड़ा मेरे को लगता है थोड़ा सा गुस्सा हो गया शायद, टैट पैकिंग वगैरह, और बहुत सारे यहाँ पर खूबसूरत गेम आपको कल देखने के लिए मिलेंगे। बाकी बहुत ही शानदार नज़ारा इस शो का रहता है, और एक से एक इंडिया के बेहतरीन घोड़े आपको इस शो पर देखने के लिए मिलेंगे।
तो कोशिश करें जो लोग पास में हैं या फिर जो लोग फ्री हैं तो वो इस शो में आए। आपको यहाँ पर घोड़ा घोड़ी देखने से भी एक बहुत आइडिया होता है। जो नए हॉर्स लवर हैं उनके हिसाब से भी बहुत अच्छा शो रहता है। अगर वो आएंगे तो आपको अनेकों घोड़ा घोड़ी यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, तो आपको पता लगेगी भाई घोड़े में क्या है, इसकी खूबसूरती क्या बोलती है या इसके सूंड क्या बोलते हैं। क्योंकि आप जितना घोड़े देखोगे उतना ही आपका आइडिया जो है बढ़ता चला जाएगा। वीडियो देखने से आपको बातों के बारे में पता लग सकता है, पर आपको अगर प्रैक्टिकल करना है घोड़ों में तो आपको घोड़ों के मेले हॉर्स शो वगैरह विजिट करना ही पड़ेंगे। तो कल से आपको कोशिश करेंगे यहाँ पर जो भी शो हो वो लाइव दिखाने की। अगर लाइव भी नहीं दिखा पाए तो कौन इस शो का विनर बना, किस कैटेगरी में, वो सब आपको रिकॉर्डेड वीडियो के द्वारा देखने के लिए मिलेंगे। और आप ये देख सकते हैं सामने घोड़े जो बाहर से आने वाले हैं उनके रुकने के लिए टेंट वगैरह का इंतज़ाम किया गया है। तो इस तरीके से ये कल 17 और 18 ये दो दिन ये शो चलने वाला है। बाकी कल इस ग्राउंड का जो नज़ारा है वो अलग ही होगा, क्योंकि अभी हालांकि अभी तो कम घोड़ा घोड़ी आए हैं। जैसे जैसे शाम ढलेगी, जैसे जैसे वक्त पास में आता चला जाएगा, वैसे वैसे घोड़ा घोड़ियों की संख्या भी यहाँ पर बढ़ती चली जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में।